नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो खोटा व्याकरण से संबंधित सेशन स्टार्ट किए थे, जो पहले ही सेशन में हमने वर्ण परिचय कंप्लीट कर चुका था, उम्मीद है आप उस वीडियो के देख पाए होंगे। तो खोटा व्याकरण जो JSSC CGL और एक्साइज कॉन्स्टेबल और आने वाली जो भी अपकमिंग टीचर की वैकेंसी है या फिर झारखंड के JSSC CGL के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगे, उसमें खोटा व्याकरण से संबंधित ज़्यादा जो वेटेज जो दिखा जाएगा, खोटा व्याकरण से संबंधित दिखा जाएगा। तो उससे आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो संज्ञा, ठीक है, जिसे संज्ञा कहा जाता है और हिंदी मीडियम जो पढ़ना पड़ता है संज्ञा से संबंधित, हिंदी में जो संज्ञा या इंग्लिश में जिसे नाउन कहते हैं, इससे संबंधित जो है आपको जानकारी होगी। बस उसी से रिलेट करना है। खोटा में क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड जो खोटा में समझ से परे होता है, उसी से संबंधित आज हमने इस बोर्ड से यानी हम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा और ये चैनल से ही आपको खोटा परिचय और खोटा से संबंधित जो भी कहानियाँ कविताएँ हैं अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख पाएंगे। और इसका जो भी आप कुछ PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ पाएंगे या फिर जो पर्सनल है वो ये नंबर पे दिए गए नंबर से भी मंगवा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा के बारे में। तो आपको पता ही है कि संज्ञा क्या कहलाता है। तो पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी वस्तु, नाम, स्थान या फिर जो भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी वस्तुएं सारे संज्ञाएं हैं जिसे नाउन कहा जाता है। तो संज्ञा को तीन प्रकार से बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या उत्पन्न के आधार पर, तीसरा जो संरचनात्मक है उसके आधार पर। तो पहला जो परिचय है अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 वेद में बांटा गया है, ठीक है। कितने वेद? संज्ञा के 5 वेद होते हैं। संज्ञा के 5 वेद किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। उसमें से 5 वेद कौन कौन से हैं? वेदेत वाचक, ठीक है, यहाँ वाचक नहीं होगा, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे वाचक होगा, क्योंकि वर्ण परिचय में ही हमने बता दिया है कि वा खोटा में जब भी यूज किया जाता है तो इसे वा के रूप में किया जाता है, ठीक है। जब जैसे अंतस्य या भी जो है खोटा में अंतस्य या के रूप में यूज नहीं होता, ये जब इस तरह से यूज होता है, जैसे जब जग इस तरह से जग होता है, यह भी यदि लिखे इसको तो जग इस तरह से लिखा जाएगा खोटा में। तो वर्ण परिचय से आप उम्मीद है परिचित होंगे। तो पहला जो है वेगत वाचक संज्ञा जो है जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जो खास पर्सन होता है, जो खास व्यक्ति की परिभाषा देता हो, खास व्यक्ति की पहचान दिलाता हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सिर्फ व्यक्ति या मनुष्य, व्यक्ति जिसे खोटा में मनुष्य कहेंगे, सिर्फ व्यक्ति का ही परिचय नहीं, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कहने का मतलब ये कि व्यक्तिगत परिचय दिलाता हो, किसी नाम से संबंधित, किसी देश से संबंधित, कोई त्यौहार से संबंधित या जो यादगार दिने हैं जैसे लड़ाइयाँ उससे संबंधित, या जो प्राकृतिक का नाम है जो कहा जाए नदी, झील, तालाब, पहाड़, इससे संबंधित जिसमें परिचय या जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हो, ठीक है, उसी को व्यक्त वाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे व्यक्ति नाम, व्यक्ति का नाम, जैसे रमुआ यदि दे दिया जाए तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गेंदिया ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी पर्सन का नाम लिया जा रहा है, किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। तीसरा जो है रोहना, ठीक है, अब छाइहर बुक में रोहन और मोहन की कहानी आप पढ़े होंगे
ठीक है। तो आप जब भी देखे होंगे कहानी के बुक्स में, जो खोटा कहानी उसमें जब भी देखे होंगे, तो लास्ट में या आकार की मात्रा रहता है, सारे नाम में या की मात्रा रहता है। तो व्यक्ति का नाम जब भी किसी नाम का परिचय दिलाता हो तो वहां से समझ जाएंगे कि व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संख्या का वो पता बदलता हो। दूसरा जो आते हैं प्राकृतिक का नाम, प्राकृतिक में उपस्थित ऐसी कौन सी चीजें हैं, संज्ञा में प्राकृतिक में ऐसे कौन सी संज्ञा है, ये वस्तु है या फिर स्थान है जिसे हम व्यक्तिवाचक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका परिचय दे सकते हैं। तो प्राकृतिक का नाम में जैसे नदी, पहाड़, जंगल, झील, झील, ठीक है, ये सब सारे क्या होंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। देश, राज्य या गांव का नाम जब किसी खास स्थान का नाम बताता हूं, व्यक्तिवाचक में सबसे पहले देखिए क्या क्या है, स्थान, स्थान जिसे खोटा में बोला गया तो ठाव, ठीक है, ठाव, ठाव मतलब होता है स्थान। तो स्थान का परिचय दिलाता हो तो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे स्थान में क्या क्या बोला जा सकता है, भारत, झारखंड, रांची, ठीक है, दिल्ली, जब भी स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आपको जानने होंगे। दूसरा है पर्व त्यौहार का नाम, पर्व त्यौहार जब भी नाम आवे, क्योंकि पर्व त्यौहार किसी खास त्यौहार के लिए नाम लिया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, तो खास दुर्गा पूजा के समय के लिए नाम लिया जाता है। और जैसे झारखंड में कर्मा सोहरा, ठीक है, और सरई, ये सब जो मनाया जाता है त्यौहार, ये सब सारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक में होंगे, क्योंकि खास परिचय बताता है कि वो एक खास दिन की परिभाषा है जो कर्मा के समय का परिचय दे रहा हो, ठीक है। तीसरा है यादगार कर दिन, यादगार कर दिन जो व्यक्तिवाचक में कैसे मानेंगे, तो जैसे लड़ाइयाँ जो है झारखंड आंदोलन से संबंधित, या फिर प्लासी का युद्ध से संबंधित, तराइन का युद्ध से संबंधित, जब लड़ाइयों के जो विख्यात नाम है, जो विख्यात लड़ाई है, उससे संबंधित यदि नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो माना जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रमुआ कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या वासुत्वाचक संज्ञा, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको बता दिए कि नाम से संबंधित और जो प्राकृतिक में उपस्थित जो चीजें उससे संबंधित, देश, राज्य या गांव के नाम से संबंधित, या त्यौहार से संबंधित, या जो यादगार तिथि है, यादगार समय है, लड़ाई है, उससे संबंधित यदि कुछ भी नाम दिखे तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का टिक लगाएंगे। उम्मीद है इसे समझ पाएंगे। दूसरा जायतवाचक संज्ञा क्या है, तो जायतवाचक संज्ञा जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लक्ष्य है जिनिस व्यक्ति को जो एक ही समूह के रूप में जैसे जाना जाता हो, एक ही जब व्यक्ति का नाम या फिर जाति का नाम, एक जाति का नाम ले देने से वैसे ही प्रकार के व्यक्ति औरों का भी नाम आ जाए, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे प्राणी का नाम, कोई भी एक प्राणी का नाम ले लें, सांप, ठीक है, सांप ले लेंगे तो सांप का मतलब बहुत सारे सांप, ठीक है। मानुष जाति, मानुष जाति उसमें बहुत सारे मनुष्य, ईमानदार हो, काले हो, गोरे हो, ठीक है, बेईमान हो, किसी भी तरह से मनुष्य, मानुष का जाति। नेक्स्ट है बहु कर, बहु बेटियां, मतलब जिस तरह से स्त्री भर का बोध कराता हो, बहु कर बोला जाए तो मतलब समझ लीजिए स्त्री कर का बोध करवा रहा हो। तीसरा है बेटा कर, इसका मतलब पुरुष कर का बोध करवा रहा हो, जब बेटा कर इस कहा जाए इसका मतलब क्या है, क्यों पुरुष कर का बोध कराया जाता है। तो जातिवाचक, जायतवाचक और व्यक्तिवाचक में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए एक कुत्ता है और उसका नाम मोती रख देते हैं, ठीक है, तो कुत्ता यदि पूछें कि यदि एक झुंड में मोती नाम का कुत्ता हो
तो आवाज दिले कि मोती कुत्ता यहाँ पे आओ, मोती कुत्ता यहाँ पे आओ, तो जिसका नाम मोती होगा वही कुत्ता यहाँ पे आएगा, तो वेगत वाचक नहीं है क्योंकि उसे खास बुला रहे हैं। लेकिन बोलते कुत्ता इधर आओ, तो कुत्ता जितने भी कुत्ते हैं सभी समूह उठ करके यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वेगत वाचक मतलब जिसे पर्सनली बुलाया जाता हो, पर्सनली नाम लेकर के बुलाया जाता हो, पर्सनली स्थान से बोध करवा रहा हो, तो वेगत वाचक होता है। और जायत वाचक क्या होता है? जो एक स्थान ले लेने से, जैसे राजधानियां, तो राजधानी में बहुत सारी राजधानी, झारखंड की राजधानी, दिल्ली की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी, कोई भी राजधानी के बारे में चर्चा कर रहा हो। लेकिन झारखंड की राजधानी तो खास करके खास व्यक्ति का यदि बोल दिया जाए तो वेगत वाचक हो जाएगा, क्योंकि खास पर्सन के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है वेगत वाचक जातिवाचक समझ में, जायत वाचक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो संज्ञा के अर्थ के आधार पर पांच भेद हमने जाना, पहला वेगत वाचक, दूसरा जायत वाचक, तीसरा वासुत वाचक, और चौथा होता है भाव वाचक, ठीक है, भाव भाव वाचक, और पांचवा जो होता है गौठ वाचक। तो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं वासुत वाचक। वासुत वाचक में क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक क्या होती है, जिसे नापा या तौला जा सके, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों थे, ठीक है, आगे जो है हमें इजीली से इसे पहचान सकते हैं। तो वासुवाचक क्या होता है, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं, ठीक है, वासुवाचक जिसे द्रव्यवाचक कहते हैं, उसमें क्या होता है, इसका परिचय ये है, परिभाषा ये है कि जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे मात्रा में अंतर कर सके, ठीक है, जैसे तेल, आटा, चीनी, नमक, सातु, ठीक है, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक में हो जाएंगे, जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, चावल, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक में हो जाएंगे, जिसे वासुवाचक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक मतलब हिंदी में कहेंगे भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, तो इसका परिचय होता है जिसे, जिस व्यक्ति को देख करके इसे गुणवत्ता के बारे में, गुणवत्ता के बारे में परिचित हो, गुणवत्ता बताया जा सके, जैसे भाव, उसकी बिहेवियर, ठीक है, उसकी जो बिहेवियर है या जो भावना है उसके बारे में हमें परिचित कराता हो, तो भाववाचक कहलाता है। जैसे सुंदरता और प्रीत, प्रीत मतलब रीत प्रीत, उनकी भावना, उनकी जो देखने की जो योग्यता है उससे संबंधित, दुख, उनकी दुख दर्द, और टान, टान मतलब उनका जो शान और शौकत है, उसका जो दिनचर्या, सॉरी इसका जो इसके बारे में जो परिचय कर सकते हैं, मतलब उसकी भावना कैसी है, आप समझ सकते हो, भाववाचक मतलब भावना उसकी कैसी है, उस भाव को पहचानने के लिए, और ये जिसे हम लोग देख नहीं सकते। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा का वह रूप, संज्ञा के कौन सा रूप है जकर देखल ना जाए, ठीक है, तो देखल किसके में जा सकता है, भाववाचक, कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, ये नहीं देखी जा सकती है। वो सिर्फ कुछ पल तक आपके साथ बिताने से ऐसे एहसास की जा सकती है कि आपकी ईमानदारी, सुंदरता, रीत प्रीत कैसी है, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा ये कहलाए। पांचवा जो है गौंट वाचक। गौंट वाचक क्या है, जिसे समूह वाचक, गौंट, गौंट मतलब क्या होता है, एक बंधन में, एक समूह में, गौंट का मतलब ये होता है एक बंधन में या समूह में, तो इसका मतलब हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो एक झुंड से संबंधित हो, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, जैसे भीड़ से संबंधित हो, ठीक है, तो उसी तरह से गौंट, गौंट का मतलब देखिए, इसका मतलब ये होता है क्या, एक समूह, एक भीड़, ठीक है, जहां पे बहुत सारी आबादी एक समूह में, एक कमरे के अंदर रहती हो, जैसे हिंदी में कह सकते हैं कक्षा,
क्लासरूम, इंग्लिश में कहेंगे क्लासरूम। फिर है पैठिया, पैठिया मतलब जो बैठक का स्थान होता है, जैसे पंच बैठने का स्थान, उसको क्या कह सकते हैं पैचिया। और पैचिया को किसकी भाव कह सकती है, तो गौठवाचक का परिचय दे सकती है पैठिया। अगला है जत्रा, जत्रा मतलब होता है मेला, जत्रा मीन्स होता है मेला। मेला भी जो सो क्या है, तो एक समूह का परिचय दिलाता है। मेला भी क्या है, एक समूह का परिचय दिलाता है। इस कारण जत्रा भी क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा होगा, गौठवाचक संज्ञा होगा। हलवा, हलवा मतलब देखिए, हलवा मतलब वो होता है जो बिगड़े हुए रूप होते हैं, बिगड़े हुए समूह होते हैं। जैसे जो मतलब कहा जाए जे अपने भावना या फिर ईमानदारी का रूप में होता है, जैसे बोला जाता है ना कि कुछ अलग ढंग से करने का समूह, जैसे उग्रवादी का समूह, ठीक है, तो उस सारा कुछ क्या हेलवा के अंतर्गत आ जाते हैं। उम्मीद है आप अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के पांच रूप है वो समझ पाए होंगे। पहला व्यगतवाचक संज्ञा, दूसरा जायतवाचक संज्ञा, तीसरा जो समूह है वो है वासुवाचक संज्ञा, चौथा जो है भाववाचक संज्ञा, पांचवा गौठवाचक संज्ञा। तो व्यगतवाचक संज्ञा में जिसे व्यक्तिगत नाम या स्थान या परिचय बताता हो, परिचय दिलाता हो। जायतवाचक संज्ञा मतलब जिसे नाम लेने से, जैसे गरु, गरु मतलब क्या हो गया जानवर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया प्राणी का नाम, कोई भी प्राणी का नाम है पंछी। अब पंछी कोई भी हो, कौआ हो, तोता हो, कुछ भी पंछी के अंतर्गत आ सकती है। तो पंछी जाति जब बोल दिया जाए तो जायतवाचक संज्ञा। आगे जो है वासुतवाचक संज्ञा, वासुतवाचक संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सकता है, ठीक है, जिसे नापा या तोला जा सकता है। उसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे भावना से हमें प्रतीत हो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, ईमानदारिता कितनी है, अच्छाइयाँ कितनी हैं, बुराइयाँ कितनी हैं, ठीक है, सुंदरता कितनी है, रीत प्रीत क्या है, उसके बारे में। और पांचवा जो लास्ट हमने पढ़ा है वो है गौठवाचक, जिसे समूह कहा जाता है। तो यहाँ तक से आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि सुंदर कौन से संज्ञा लागे, तो सुंदर कौन से संज्ञा है, तो सुंदरता बताती हूँ। यानी कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है एक विशेषता की परिचय दिलाता हो, विशेषता दिलाता हो कि वो व्यक्ति सुंदर है, वो व्यक्ति शालीनता है, रीत प्रीत है उसके अंदर, ठीक है। फिर पूछा जाएगा जत्रा कौन सी संज्ञा है, तो जत्रा कौन सी संज्ञा है, तो ये गौठवाचक संज्ञा है। उम्मीद है आप यहाँ तक भली भांति समझ पाए होंगे। अगला आता है उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के चार भेद होते हैं। कौन कौन से, ठेठ संज्ञा जिसे मौलिक संज्ञा कहते हैं, दूसरा तद्भव संज्ञा, तद्भव शब्द, और तीसरा जो है विदेशक शब्द संज्ञा, चौथा है प्राकृतिक से निकला संज्ञा शब्द, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं जो ठेठ शब्द है, जिसे आम परिचय आम भाषा में खोठा में ज्यादातर जो यूज हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर यूज किया जाता है ठेठ संज्ञा का। तो ठेठ संज्ञा का परिचय क्या है कि संज्ञा का वह रूप या फिर खोठा में वह शब्द जो प्राकृतिक रूप से यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के मूल वासियों के द्वारा जो उच्चारण किया जाता था, जो भाखा, भाखा मीन्स भाषा उच्चारण किया जाता था, उसी को ठेठ संज्ञा या मौलिक रूप से जो यहाँ के लोगों के द्वारा, झारखंडी लोगों के द्वारा, झारखंडी भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है, उसी को मौलिक या ठेठ संज्ञा कहे थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ठेठ वाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आजमय, तुर आजलय के बात हो बाबू, तुर गुनाह मान लो, ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं आजलय। फिर है धाथैनी, यदि कुछ आप लोग घर में आपके मम्मी पापा कुछ खाने के लिए दे दिया जाता, आप लोग मम्मी पापा के द्वारा कुछ खाने के लिए दिया जाता हो, तो आप खाने के लिए मना कर रहे हो, तो उस वक्त आपको बोल दिया जाएगा कि धाधैनी हो ना खेमी, ठीक है, तो वो हो गया धाधैनी, ठेठ में जो लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है पंखोखा,
पैन खोखा, लोग पैन खोखा बोलते हैं कि मार दबो पैन खोखा में तो उठलना पर भी, ठीक है। पैन खोखा क्या हो गया कि मार दबो पैन खोखा में तो उठलना पर भी, तो पैन खोखा भी जो है ठेठ संज्ञा या मौलिक संज्ञा है जो अक्सर झारखंड के मूल वासियों, झारखंड की खोठा धरोहर व्यक्तियों के द्वारा ये बोली जाती है। आगे है डोका, ठीक है। डोका मतलब जो मुंह होता है, डोका मीन्स क्या कहते हैं मुंह। आगे है हीने हुने, हीने हुने मतलब इधर उधर। आप खोठा व्याकरण, खोठा का कहानी पढ़ रहे होंगे तो उसमें कई जगह इसे पढ़ने को मिला होगा, हीने हुने। हीने हुने का मतलब है इधर उधर, ठीक है। तो ठेठ संज्ञा का मतलब ये है कि जो संज्ञा या शब्द का वह रूप जो झारखंड की, झारखंडी या खोठा वासियों के द्वारा प्राकृतिक रूप से यानी गांव देहात में जो बोले जाते हैं, ठेठ रूप में जो बोले जाते हैं, उसी को ठेठ संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। आप उच्चारण करते ही समझ जाएंगे कि बिल्कुल ठेठ है। जैसे जब गांव का बच्चा, गांव का लड़का शहर जाता है पढ़ने को और समूह में रहता है तो कभी बाय मिस्टेक वो कभी यदि बोल देता है ठेठ भाषा में अपना बोल देता है तो वहाँ के जो समूह में लड़के या लड़कियाँ जो भी उपस्थित होते हैं उनके द्वारा वो सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है कि ये ठेठी है, मतलब ये जो सो पूरा ठेठ है, गंवार है ना। तो ऐसी भाषा सुनते ही आपको ठेठ का अर्थ समझ आता है। अगला आते हैं तद्भव शब्द संज्ञा। तद्भव शब्द संज्ञा के अंतर्गत क्या होती है, खोठा भाषा का वह रूप जो कुछ तो प्राकृतिक का देन है और कुछ संस्कृत का शब्द जोड़ करके बनाया गया जो शब्द है, खोठा जो बनाया गया शब्द है उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द में क्या है कि संस्कृत और प्राकृतिक का मूल भाखा, मतलब यहाँ की जो मूल भाषा उसके साथ जोड़ करके अटैच करके बनाया गया, जिससे खेल, ठीक है। ये थोड़ा लग रहा है कि चलो भाई मतलब बर्दाश्त करने लायक है कि समूह में बोला जा सकता है। फिर आयरी, आयरी जो जानते होंगे हम लोग जो लोग किसानी से संबंधित बिलोंग करते होंगे, वो खेत के मेड़ को जो पानी रोकने का काम करता है जिसे मेड़ बोला जाता है, ठीक है, उसी को आयरी कहते हैं। नेक्स्ट है खंड। खंड मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में गिर पड़ता हो, झरना वगैरह हो तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, उसी को खंड बोलते हैं, ठीक है। आगे है बौन। बौन का मतलब होता है जंगल झाड़ वगैरह, इसे सारा क्या है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है पुत। पुत मतलब पुत, कपुत, सपुत जो है सारा बेटा वगैरह के बाद हो गया। जनी, जनी मतलब मेहरारू, ठीक है, परिवार। माय, माय मतलब माता, माता माता दी जो है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, तो इन सारे वर्ड को देख लेंगे, इन सारे शब्द जो है इसको देख लेंगे और कुछ ऐसे शब्द जो आपके ध्यान में लगे कि वो तद्भव जैसा दिख रहा हो, मतलब तो संस्कृत का और कुछ मूल रूप का जो भाषा, भाषा का जो मूल रूप है उससे संबंधित जानकारी हो तो वहाँ पे पढ़ रहे, ठीक है। आगे देखिए विदेशक शब्द संज्ञा। विदेशक शब्द संज्ञा क्या है, जो विदेश से निकली संज्ञा हो, विदेश से निकली भाषा हो उससे संबंधित जो झारखंडी या खोठा की भाषा जो अटैच किया गया है उसे विदेशक शब्द संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे दर्द, मरद, ठीक है, दर्द जो है सो ये लगता है कि चलो भाई दूसरे स्टेट में भी बोलेंगे तो ये समझ जाएंगे। मरद, मरद मीन्स हा मरदवा है कि नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं, तो मरद मीन्स जो जेंट्स होते हैं उसके लिए ये वर्ड निकाला जाता है। फिर रिक्शा, रिक्शा जिसे रिक्शा कहते हैं, शुद्ध हिंदी में रिक्शा जो कहते हैं, तो रिक्शा, ठीक है, ये विदेश का वर्ड। मशीन, हम लोग इंग्लिश में मशीन बोलते हैं, खोठा का जो विदेश शब्द है उसका क्या है मशीन। आगे है साइकिल और फिर है ग्लिस्ट। ग्लिस्ट, ग्लिस्ट मीन्स जो कचरा स्थान है, ठीक है, वही ग्लिज कहा जाता है। तीसरा समझ लीजिए। चौथा पॉइंट है प्रकृति से निकलने संज्ञा शब्द। जो प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द है मतलब जो मूल रूप का और जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं
प्राकृतिक और बोलचाल की जो भाषा होती है उसके उससे दोनों के मिल से जो शब्द निर्माण होती है उसी को प्राकृतिक से निकलने संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सनसनी और प्राकृतिक से निकलने वाले संज्ञा शब्द के पहचानने का नियम है कि जो वर्ड जो दो वर्ड या फिर जो दो वर्ड क्रमबद्ध में पहले पाई गई हो वो लगातार लगभग दो तीन बार वो रिपीट हो जाता हो। जैसे सनसनी रदबदाय रदबदाय भी देखेंगे फटफटी और खड़खड़ी खरखरी। तो देखिए सनसनी सनसनी मतलब होता है कि बहुत ताक जो मतलब तेज तरह मतलब बोला जाए तो जल्दबाजी में हो रदबदाय में जो तेज से चलने दौड़ने की संबंधित है। फटफटी फटफटी मतलब बहुत सारा ज़्यादा उससे हड़बड़ाहट की है। हड़बड़ी हड़बड़ी भी वैसे से संबंधित है हड़बड़ाहट मतलब उसे बीजी के से संबंधित सेंस कहेंगे। खरखरी खरखरी मतलब कहीं भी जो है सो डरने वाला बात नहीं है हर जगह जो है सो खरखर होकर के पेश होता है खरखरी बात करता है। ठीक है तो आप उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के अर्थ समझ पाए। नेक्स्ट रचना के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो तीन भेद हैं। कौन कौन सा रूप जिसे यौगिक अयौगिक कहते हैं दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूप। ठीक है हम एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए रूढ़ ठीक है दूसरा नंबर होगा ये समझिए रूढ़ क्या है रूढ़ जिसे या यौगिक कहेंगे ये दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है रूढ़ या यौगिक। तो क्या होता है जिस शब्द को तोड़ने से वर्ण निरर्थक हो जाए जैसे शब्द को तोड़ने से कहा जाए मान लीजिए गोड़ा ठीक है गोड़ा बोलेंगे तो गोड़ा को तोड़ेंगे तो गो प्लस डा ये दोनों जो अलग अलग वर्ण हो गया क्या ये दोनों का कोई अर्थ निकल पाएगा क्या नहीं ये निरर्थक हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड ऐसे ही जो शब्द है उसी को रूढ़ वर्ड कहा जाता है या यौगिक कहा जाता है। ठीक है जैसे धैला धैला में धाई प्लस ला करेंगे धैला में धाई धाई प्लस ला करेंगे तो ये दोनों जो सो निरर्थक वर्ण बनेगा। तो इस कारण से कहा जाता है कि रोग रूढ़ या यौगिक वही होता है जो बने हुए वर्ण होता है यदि उसे ब्रेक कर दिया जाए तोड़ दिया जाए विच्छेद संधि विग्रह किया जाए विच्छेद किया जाए और उसका कोई अर्थ ना निकले उसी को रूढ़ या यौगिक कहेंगे। ठीक है जैसे जोंक क्या कहें जोंक जोंक में यदि अलग अलग करेंगे दोनों का तो जोंक प्लस खा तो जोंक का जोंक प्लस खा करेंगे तो जोंक का मतलब भी कुछ नहीं खा का मतलब भी कुछ नहीं तो दोनों जो से निरर्थक हो जाएगा। इस कारण से ऐसे वर्ड को प्रेम से तोड़ना नहीं है हाथ जोड़ लेना है। ठीक है आगे आते हैं जो यौगिक वर्ड है यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर के बनता हो या वर्ण मिलकर के बनता हो उसी से संबंधित जैसे गरु गाड़ी गरु मतलब क्या होता है जो जानवर से संबंधित खींचने वाली गाड़ियां होती है तो गरु गाड़ी लिखते हैं इसको गरु गाड़ी। ठीक है इससे देखिए ये दोनों वर्ड दो शब्द जो है दोनों वर्ड को यदि मिलाएंगे तो गरु गाड़ी हो जाएगा मतलब जो जानवर के द्वारा खींची गई गाड़ियां। ठीक है क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ कर रही है गाड़ी जो फोर मतलब चार पहिया या दो पहिया या तीन पहिया जो भी समझे गरु मतलब क्या हो गया जानवर संबंधित जो खींचने वाले होते हैं। उसी तरह से गोबर गढ़ा गोबर का मतलब समझ में आ रहा है जो जानवरों का जो अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट मलमूत्र होता है। नेक्स्ट है गड्ढा गड्ढा मतलब जो जहाँ पे खोदा जाता है जिसे गोबर गड्ढा में जहाँ पे आप लोग साइंस पढ़ रहे होंगे तो पता चला होगा कि मीथेन गैस वहाँ से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है धान खेता मीन्स खेत मीन्स पता है खेत पहले भी वर्ड बताएं कि ये क्या है तद्भव शब्द रूप है संज्ञा है और धान खेता मीन्स आप लोग पता है खेती कर रहे होंगे तो धान और ये खेत तो दोनों वर्ड जो है सो
कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलता हो। तो दो ऐसे वर्ड जिसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो लेकिन दोनों को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए तो वो यौगिक काम आता है। और रूढ़ या योगी क्या कहलाता था कि दो ऐसे वर्ड जिसे ब्रेक कर देने पे उसका भाव निरर्थ हो जाता था उसे रूढ़ या योगी कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ क्या है? तो जो ऐसे वर्ड जिससे संबंधित किसी खास जो वस्तु है उससे संबंधित हो, जैसे हैसार। हैसार मतलब होता है जैसे औसार घर, समझते हैं कि नहीं? गांव देहात में लोग बोलते हैं औसार घर। ठीक है, तो खोटा में इसका जो शुद्ध मीनिंग होता है हैसार होता है। हैसार मतलब जो रसोई घर जहाँ पे खाना बनता हो उससे संबंधित है। फिर कठौआ। कठौआ क्या होता है? तो जो नमक रखने वाला जो औजार होता है गांव घर में लोग रखते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, काठ का बना होता है, इसी कारण से कठौआ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड़ पीठा होता है, मतलब जो गुड़ से बना हुआ पीठा। ठीक है, जो खाने योग्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कंठ खोटकी मतलब जो आप देखे होंगे महिलाएं लोग जो धान को, धान या चावल जो बोला जाता है, कोई एक पर्व होता है उसमें चावल को बॉयल करके और उसे जो लकड़ी का बना होता है वो पैरों से मिचलती हैं उसको, और उसे उसके द्वारा जो है चावल का कुटाई किया जाता है, तो उसी को कंठ खोटकी कहा जाता है। तो उम्मीद है योगी या योगी जिसे रूढ़ बोलेंगे और योग रूढ़ आप समझ पाएंगे। ठीक है, फिर से समझाते हैं रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। तो तीन भेद होता है। कौन कौन सा? रूढ़ ऐसा वर्ड है जिसे तोड़ने पे निरर्थ हो जाए उसे रूढ़ कहेंगे। योग रूढ़ दो ऐसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द का जो मिलता है और जिसका कोई अर्थ निकल जाए। ठीक है, दोनों वर्ड को यदि तोड़ेंगे और उसका अर्थ निकले तो उसे क्या कहलाता है? योगी कहलाता है। योग रूढ़ क्या कहलाता है? दो ऐसे वस्तु का नाम जोड़ करके, जैसे हैसार। हैसार क्या होता था? तो खाना बनाने वाला घर को हैसार कहते हैं, नमक रखने वाले वस्तु को कठौआ कहते हैं, गुड़ से बना वस्तु को गुड़ पीठा कहते हैं, कंठ खोटकी जहाँ पे कंठ खोटकी किया जाता है धान की जो कुटाई किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? कंठ खोटकी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरे संज्ञा का परिचय आप समझ पाए होंगे। अगले क्लास में हम संज्ञा से संबंधित जैसे व्यंजकवाचक या जातिवाचक संज्ञा से भाव के रूप में चेंज करने का कोशिश करेंगे, और जो द्रव्यवाचक है उसका भाववाचक में चेंज करने, परिवर्तन करने की एक पाँच या दस मिनट का वीडियो फिर से लेकर के आएंगे इसके लिए। और क्योंकि ये लंबा वीडियो होते जा रहा है इसलिए उम्मीद है कि आप संज्ञा का परिचय आप समझ पाएंगे, संज्ञा का तीनों रूप समझ पाएंगे जो तीनों आधार पे इसे बांटा जाता है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे। और यदि जिनको कहानी से संबंधित PDF चाहिए ये मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज संज्ञा की क्लास को समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम मिलेंगे और इसके लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।